नमस्कार, मसाला महक में आपका स्वागत है। मैं आज मिल्क पाउडर से मावा बनाने जा रही हूँ, जिसको कि खोया भी बोलते हैं। तो उसके लिए मैं अमूल का मिल्क पाउडर ली हूँ, एक कटोरी, आधा कटोरी दूध, कोई भी दूध ले सकते हैं आप या कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं, पतंजलि का या नेस्ले का। मैं अमूल का मिल्क पाउडर ली हूँ और उसमें मैं 2 चम्मच ये फ्राई पैन में शुद्ध घी डाल दी हूँ और उसी टाइम पे मैं ये दूध डाल दी आधा कटोरी और ये मिल्क पाउडर एक कटोरी डाल के मैं उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि लम्स पड़ने का डर रहता है, गांठ नहीं पड़ना चाहिए। तो उसको मैं लगातार चला रही हूँ, ये बस 5 मिनट में तैयार हो जाता है। तो आप भी बनाएं, घर में कुछ भी बनाना हो, रसगुल्ला या कोई भी खोया का खाने का पेड़ा, गुजिया, कुछ भी बना सकते हैं, पिरिकिया, जो मन है आप बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है। पता ही नहीं चलेगा आपको ये गाय का खोआ है या भैंस का, बहुत अच्छा लगता है ये। तो आप ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को क्लिक करेंगे ताकि आपको मिले मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो देखिए ये कितना जल्दी गाढ़ा भी हो गया है, इसको चला रही हूँ मैं लगातार, 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी मैं नहीं छोड़ रही हूँ। और किनारे से इसको ले लेके चलाएं, जैसे किनारे में बैठ जाता है, लग जाता है, तो इस तरह बीच बीच में किनारे से भी छुड़ाएं, छुड़ा छुड़ा के इस तरह से, और इसको बनाएं जब तक कि ये डो के फॉर्म में ना आ जाए। तो देखिए ये जैसे हम लोग आटा का डो लगाते हैं उस तरह ये अपने आप हो जाएगा, एक सॉफ्ट डो तैयार हो जाएगा। इसको लगातार मैं चला रही हूँ, देखिए ये बहुत जल्दी बन जाता है। आपको गाय का और या भैंस का दूध लेके करेंगे 1 लीटर दूध में, तो बहुत टाइम आपको खड़ा रहना पड़ेगा, जो कि पैर में दर्द होने लगता है, ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकते हैं जो उसके लिए है ये, या सभी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जिसको मन है बना सकते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। अभी तो टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है, सबको उतना टाइम देना मुश्किल लगता है। तो आप ये तुरंत बनाएं और जो चीज़ बनाना है बना के खाएं। इसका पुआ भी बना सकते हैं आप, इसमें थोड़ा मैदा मिक्स करके, तो आप ज़रूर बनाएं, बहुत अच्छा लगता है। घर का कोई भी चीज़ बना हुआ तो अच्छा ज़्यादा ही लगता है बाहर से। तो देखिए कितना गाढ़ा हो गया, अब धीरे धीरे छोड़ने लगा है, देखिए इस तरह से देख रहे हैं। तो देखिए इसी तरह मेरा ये खोया बन के रेडी हो जाएगा, देखिए कितना जल्दी ये गाढ़ा भी हो गया, देखिए। और मैं इससे गुजिया बनाने वाली हूँ, फिरकिया खोया का, कुछ ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके मैं इसका फिरकिया बनाऊँगी, इसीलिए मैं ये खोया तैयार की हूँ। तो आप चाहें तो फिरकिया बनाइए या जो भी बनाने का मन है बनाइए, इंजॉय कीजिए फ्रेंड्स। देखिए कितना जल्दी बन के तैयार हो गया, इसको मैं फिंगर से भी दबा के दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह कितना सॉफ्ट है ये। आप भी बनाएं, खाएं, धन्यवाद।